फांसी दो। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। दंगे करने का आरोप हम लोगों पर लगे। हमें लगता है कि ये सभी जो बॉस हैं, इनके प्रभाव में आकर पुलिस ने हमारे खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए हैं। देहरादून गोलीकांड में पुलिस पर गंभीर आरोप। रवि वडोला को इंसाफ देने की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर ही दर्ज हो रहे मुकदमे। रवि वडोला हत्याकांड मामले में पुलिस की ये कैसी कार्रवाई? आंदोलनकारियों पर ही लगा दिया दंगा भड़काने का आरोप। उत्तराखंड में मूल निवास को लेकर बने संघर्ष समिति के संयोजक मोहित ठेमरी का बड़ा दावा। पुलिस पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज करने का आरोप। मोहित डिमरी का बड़ा दावा। रवि वडोला और देवभूमि के लोगों को न्याय मिलने तक जारी रखेंगे संघर्ष। ये तस्वीरें 20 जून की हैं, जब रवि वडोला को न्याय दिलाने के लिए मोहित डिमरी और उनके साथियों ने डोभाल चौक के पास 6 नंबर पुलिया पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने मोहित डिमरी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उसी दिन देर रात सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन अब मूल निवास कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डिमरी ने दावा किया है कि पुलिस ने उन पर और अन्य लोगों पर राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत दंगे भड़काने वाली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। डिमरी ने कहा कि हम लोग रवि वडोला को न्याय के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हम पर धारा 147 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हम लोगों की मांग थी रवि वडोला हत्याकांड की फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में जांच हो, सुनवाई हो। इसके साथ ही साथ जो आपराधिक घटनाएं देहरादून में हो रही हैं, महानगरों में हो रही हैं, उन पर नियंत्रण लगे। इसको लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस द्वारा हमारे ऊपर आईपीसी की धारा 147, 341 में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और आईपीसी की जो धारा 147 है, उसके तहत ये आरोप हम पे लगाया गया है कि हमने दंगे किए हैं। दंगे करने का आरोप हम लोगों पे लगे हैं। और ये भी आरोप हम पे लगाया जा रहा है कि उस दिन हमने तोड़फोड़ की, जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सांकेतिक रूप से हमने वहां पर अपना विरोध दर्ज किया, धरना दिया, जो लोकतांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात रखने का। लेकिन हमें लगता है कि ये सफेद जो पोस हैं, इनके प्रभाव में आकर पुलिस ने हमारे खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए हैं। और इतना ही नहीं, मोहित डिमरी ने पुलिस पर एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से न्याय की मांग करने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए रवि वडोला को न्याय दिलाने के साथ मूल निवास भू कानून के लिए भी आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमें लगता है कि एक तरह से ये जो लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग आवाज उठा रहे हैं, शांतिपूर्ण अपनी बात रख रहे हैं, उन पर उनकी आवाज को दबाने का षड्यंत्र है। तो आने वाले समय में जनता इसको देख रही है, लोग देख रहे हैं कि झूठे मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हुए हैं और इसका जवाब जनता देगी। और ये लड़ाई जो हमने शुरू की है मूल निवास की, यहाँ के लोगों के अधिकार की, जो सुरक्षा व्यवस्था एक तरीके से उत्तराखंड में कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है, उसको लेकर जो आवाज उठा रहे हैं हम लोग, कि आगे भी हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, अपनी आवाज उठाते इसी तरह रहेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। मोहित डिमरी ने दावा करते हुए कहा कि बाहर के लोग आकर उत्तराखंड में संसाधनों पर कब्जा जमा रहे हैं, यहाँ की जमीनें खरीद रहे हैं, जिससे यहाँ के लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। देवभूमि में अब मूल निवास भू कानून लाना काफी जरूरी हो गया है। हम इसके लिए अब उत्तराखंड में बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आने वाले समय में मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जाएगा। देखिए, अब हम लोग जो उत्तराखंड में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, बाहर के गुंडे बदमाश आकर यहाँ पर जमीन के कारोबार कर रहे हैं, मूल निवासियों को मौत के घाट उतार रहे हैं,
यहाँ के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार हैं वो अपने राज्य में सुरक्षित नहीं रह गए हैं, उनके रिसोर्सेस उनके हाथ से खिसकते जा रहे हैं, जमीन पर बाहर के माफिया का कब्जा होता जा रहा है, तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर हम एक मूल निवास स्वाभिमान महारैली करने जा रहे हैं। 1 सितंबर को गैरसैंण में ये महारैली होनी है, इसके साथ ही साथ देहरादून में भी एक महारैली हम करेंगे, इसकी भी तिथि जल्द घोषित कर लेंगे। हम यही कहना चाहते हैं तो तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे मूल निवास का हो, भू कानून का हो, चाहे आपराधिक घटनाएं जिस तरह से उत्तराखंड में बढ़ रही है, ये सवाल हो, इनको लेकर हम एक बहुत बड़ी लड़ाई इस प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के लोगों को इस लड़ाई में हम जोड़ेंगे, इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, आगे हम इस तरह से रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ पुलिस रवि वडोला हत्याकांड के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित डिमरी के ये आरोप पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि रवि वडोला की हत्या के बाद से मोहित डिमरी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही उत्तराखंड में लंबे समय से चल रही मूल निवास भू कानून की मांग और जोर शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में रवि वडोला को न्याय दिलाने के बीच पहाड़ पर अब फिर से भू कानून बनाने की मांग तेज होने लगी है। रवि वडोला हत्याकांड के साथ फिर से खड़े हो रहे भू कानून आंदोलन से निपटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।